नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों, तो तैयार हैं आप हमारे साथ एक स्वादिष्ट और मजेदार खाने के सफर पे चलने के लिए? तो चलिए मैं दोस्तों को भी बताया था और आपको भी बताया था कि आज मैं आपको और हमारे खाओ दोस्तों को कहाँ लेकर आया हूँ। तो दोस्तों दक्षिण, अब दक्षिण का नाम सुनते ही आप तो समझ गए होंगे कि दक्षिण जिस रेस्टोरेंट का नाम है तो वहां पर दक्षिण खाना ही स्पेशल होगा, है कि नहीं? तो दक्षिण में तो सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। सी फूड, आहा, प्रॉन्स, पॉम्फ्रेट और वहां का नी डोसा, सूखा चिकन। रियली अपसेट, व्हाट इज दिस? आप सारी तो नॉनवेज चीजों के नाम लेते जा रहे हो, मेरे लिए कुछ है कि नहीं ऐसे ले आए? अरे सिर्फ नाम लिया, लेकिन ऐसी जगह थोड़ी लेकर आऊंगा जहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं। आखिर यहाँ से तो आपके साथ घर ही जाना है ना, तो फिर भुगतना तो मुझे पड़ेगा। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं कि मैम के लिए वहाँ पर क्या क्या है और हमारे लिए भी क्या क्या है। तो आइए चले दक्षिण भारत, आइए जी। खुश है ना अभी? हाँ, थैंक गॉड, वेजिटेरियंस के लिए भी है। हेलो मैम, थैंक यू। वाओ, फर्स्ट क्लास, ठंडा ठंडा एसी। अब ऐसे ठंडे ठंडे एसी में गरम गरम मछली मिलेगी तो कितना मजा आएगा। मछली? अरे वेज भी मिलेगा। ओहो रितेश, थैंक यू। हाय प्रथम, कैसे हो? हाँ यार, बहुत सालों से बुला रहा था लेकिन क्या करें, टाइम, लेकिन आज टाइम निकाला और इनको भी साथ में लेकर आया, है कि नहीं? चलिए आइए, प्लीज आओ। बैठिए संजीव जी, इतनी गर्मी से आप लिए चिल बियर भेजता हूँ। आज तो चलेगा भाभी जी? आज चलेगा, वो पूछने में डर रहे थे। आज चलेगा, इनके लिए भी कुछ। ओके या थैंक यू, आओ बैठो। सिर्फ आ जा यार, आपसे सब इतने डरते क्यों हैं? कुछ नहीं, आप ही डरते हैं बस, बाकी सब डरते हैं। बहुत समय लग गया, बियर नहीं आई अभी तक। सब देख रही हूँ मैं, बस आज ही अलाउ किया। अरे यार, तो पानी पिला दो। पी लो, आज कह दिया तो पी लो। आइए लाइए, रखिए, धन्यवाद। ओके, ये आपका मॉकटेल। अरे वाह, स्मेल्स एंड लुक्स सो गुड। थैंक यू, चीयर्स। ये कौन सा है मॉकटेल? दिस इज पैशन फ्रूट, फ्रेश पैशन फ्रूट। हाँ, अच्छा लगता है मुझे पैशन फ्रूट। थैंक यू, चीयर्स। चीयर्स, ठंडा बहुत है, ध्यान से। गर्मी में तो ठंडा चाहिए ना। अभी ठंडी ठंडी बियर के साथ ना, really cooling, मजा आ गया। कुछ गरम गरम खाने को भी चाहिए कि नहीं? सोच रही हूँ क्या खाऊंगी मैं, क्या खाऊंगी, भूख बहुत लग रही है, कुछ ना कुछ चाहिए। कुछ स्टार्टर मंगाए क्या? हाँ, पहले स्टार्टर मंगा। मेनू मंगाता हूँ। एक्सक्यूज मी, मेनू प्लीज। मेनू देखते हैं तो फिर मंगाते हैं। थैंक यू। आइए, बड़ा मोटा मेन्यू है यार, सूप्स नहीं चाहिए। ओके, तंदूरी स्टार्टर्स। तंदूरी भी है और ये भी है, इंडियन स्टार्टर्स भी है। हाँ, साउथ इंडियन भी है, इंडियन भी है। साउथ इंडियन और इंडियन, क्या बोल रहा हूँ मैं? मेन कोर्स आ गया। अच्छा, चाइनीज भी है यार। मुझे तो ना कुछ फिश या उसका कुछ खाने का मन है। एक काम करते हैं, चाइनीज है मतलब अरब को ला सकते हैं साथ में। एक काम करते हैं, रितेश को बुलाते हैं, वही हेल्प कर देगा। हाँ, यहाँ का कुछ बेस्ट जो ना वो मंगवा लेते हैं। हाँ चलो ठीक है। रितेश एक्सक्यूज मी, बहुत कुछ है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इतना कुछ है ना आपके मेन्यू में और हर चीज का नाम पढ़ पढ़ के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आप लोग चिल करो उधर, मैं भिजवाता हूँ। चल ठीक है, योर चॉइस। ओके, आई एम वेज। रितेश, इतना बड़ा स्प्रेड आ गया है और ये तुम कह रही हो कि सिर्फ स्टार्टर है। मेरा ख्याल से तो हम दोनों का पेट यही खा के भर जाएगा, लेकिन आप दोनों को भी खाना पड़ेगा, तभी ये खत्म होएगा और ये हमारा क्रू जो है ना वो भी खाएगा। तो चलो पहले आप टेस्ट तो कीजिए। हाँ, शुरू करते हैं। ये क्या चीज है? तो ये है प्रॉन्स कड़ी पत्ता। प्रॉन्स कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता तो केरला डिश है। ओके, केरला से है? केरला से है। ओके, तो दिस यूएसपी हम कड़ी पत्ता एंड कोरिएंडर का सब एक मिक्स करके इसको मैरिनेट करते हैं इन कोकोनट ऑयल विद कैशू पेस्ट। रियली गुड। एंड तुम्हारा तो फेवरेट है ना कोकोनट ऑयल, उसी में बनी हुई है।
इसके अंदर क्या है? So this is hung curd with cheese and chopped vegetables. Okay. Yeah. You usually have that with some ketchup. Yeah. और ये बाहर का क्या है? That's a bread. Okay. Bread. Hmm. Very different. बहुत अलग चीज़ है. बच्चों को पसंद है बहुत. Yeah. Usually क्या होता नहीं तो cheese भी सी होती है. Yes. But this hung curd thing is really different. बहुत थोड़ा सा. And it's a very light to your stomach also and. Deep fried things are always light. Light. And tasty. High on calories. तमेशा जी और मुझे ना सी फूड बहुत पसंद है क्योंकि लता हमेशा कहती है कि आप खाना देखते हो और खाने लगते हो. So we focus. So I always on a seafood diet. I seafood and I eat. That is the thing. So यहाँ पे भी focus also on seafood. Okay. All our catch and all is very fresh. Okay. We don't keep any frozen fish or prawns, nothing. Yeah. वो तो पता लग रहा है पहली डिश से मालूम पड़ गया मेरे को prawns का. ये क्या चीज़ है? घी का फ्लेवर आ रहा है. So that's really prepared in ghee. No, coconut ghee, ghee. No coconut. Not coconut, only ghee. Only ghee. Roast. क्या बात है? बहुत ही amazing और मुझे तो spicy खाना पसंद है. इसलिए मुझे red chilli paste. तो ये Mangalore में बहुत famous है हमारा. मतलब आप लोग भी खाओ ना कुछ ना कुछ. जरूर जरूर जरूर. आप लोग ऐसे ही बैठे हो. मैं ब्रोकली टेस्ट कर लेती हूँ. खुद ही आप अपना खाना खाओ. तो ये है हमारा मलाई ब्रोकली तंदूरी. आप लोग जानते हो कई बार मुझे हाथ से खाना खाना बहुत पसंद है. मैंने सोचा चलो ये हाथ से खाया जाए. मुझे तो ब्रोकली ऐसा लगता है. तंदूरी ब्रोकली. या दिस इज तंदूरी मलाई ब्रोकली. ओके तंदूरी मलाई ब्रोकली फॉर ऑल माय हेल्थ कॉन्शियस फ्रेंड्स. मेरा खाना खाते खाते मुंह में पानी भर रहा है. मतलब अमेजिंग. ये जो कड़ी पत्ते का फ्लेवर है ना इसमें वो करी लीव्स क्रंच फ्राइड लवली. अब ये मैं घी रोस्ट चिकन घी रोस्ट. उफ थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा घी. ओह है लाइफ सेट अमेजिंग. तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा मेरे को देख के. This is like heavenly. Yeah, you can pour it in your mouth. Hmm. Yeah, this is just very, very tasty. Tandoori broccoli, amazing. Creamy है, बहुत tasty है. मुझे spicy ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए spicy नहीं है. आपने mention किया था इसलिए we made sure that everything is less spicy. And the broccoli is very fresh. Yeah. Very fresh. So we source all fresh ingredients here. Okay. We are very proud of that. हाँ हाँ. तो रितेश ये घी रोस्ट और कड़ी पत्ता ने तो मेरा मतलब दिल जीत लिया है. अब मैं शेलफिश जो मेरी एक पर्सनल फेवरेट है इसमें मीट बड़ा कम होता है लेकिन इसको जो खाने में मजा ना ऐसे लेके हाथ में ऐसे पहली बार देख रही हूँ कैसे खाते हैं चूस के. तो ये मेरा भी पर्सनल फेवरेट है यार. इसमें मसाला कौन सा डाला है? सो बेसिकली सुखा मसाला है सर. सो सुखा मसाला में आपका रेड चिली कश्मीरी रेड चिली कोरिएंडर गार्लिक एंड अदरक एंड चिलीज डाल के पेस्ट बनाते हैं एंड वी ऐड कोकोनट डेसिकेटेड. हां वो तो टेस्ट आ रहा है. एंड उसको फिर सुखा कमाल है कमाल. वी ड्राई इट टिल द ग्रेवी ड्राइज. वेरी गुड. वी कुक इट टिल द. और एक और चीज मैं बताऊं ये तीनों चीज मैंने टेस्ट की है. हां तीनों चीज का टेस्ट एकदम ही अलग बहुत ही डिफरेंट और एक से बढ़कर एक है. मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये अच्छा था कि ये अच्छा था. इवन मेरा भी जो भी मैंने अभी तक खाया है डिफरेंट. एंड व्हाट इज दिस नाउ? पनीर. सो दिस क्रैकलिंग पनीर. क्रैकलिंग. सो आज इज अ मल्टी क्यूजिन आल्सो. वी सर्व चाइनीज आल्सो इंडियन तंदूर एज वेल दो वी फोकस ऑन साउथ इंडियन मोर. हां बट हम हमारा ये भी इसका मजा दोनों एक साथ खाने में है. ये विद द क्रैकलिंग स्पिनच के साथ दोनों टेक्सचर आते हैं. स्पिनच. या हूँ क्या करी मुझे खिलाओ ना. हूँ मैं उधर. मैंने तो ऑफर किया तुम नहीं खाओगे ना. दोनों एक साथ. वेरी सॉसी. प्रथम ट्राई समथिंग या. वो
दिस स्पिनच ये है ना, ये ऐड ऑन कर रही है, मतलब इसको जो क्रिस्प क्रिस्प आ रहा है ना बीच में, वाह। अभी बारी आई आज के टेबल के राजा की, सबसे फेवरेट डिश और इस टेबल पे मुझे बहुत समय से टेम्प्ट कर रही है, वो है फ्रेंड्स ये तंदूरी पॉम्फ्रेट। और इस रेस्टोरेंट की एक खास बात है कि ये डुअल पॉम्फ्रेट है, जैसे हम लोग कभी कभी डुअल टी शर्ट्स पहनते हैं ना, एक साइड का कलर अलग दूसरे साइड का कलर अलग, तो इस मच्छी का भी कुछ ऐसा ही है। मैं इसे टूटे नहीं मेरे हाथ से, ये देखिए अगर आपको दिख रहा है, ये पीछे है इसके रेड तंदूरी मसाला और ये ऊपर इसके है ये ग्रीन पहाड़ी मसाला। तो चलिए पहाड़ों पे पहले चलते हैं और बाद में तंदूर में जाएंगे। ओ तेरी, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश। माय गुडनेस, मैं खाता हूँ फिर बताता हूँ। मेरे सामने ना आज डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देना चाहिए, बहाने धीरे चलाइए, काम जारी है। इसको देखिए दोस्तों, ये मैंने प्यार से पलट दिया और ओह व्हाट अ सरप्राइज, बिल्कुल ही अलग, ये आई कुछ अलग ही चीज मेरे सामने। और पीपल लव दिस कि क्या है, उनको एक ही इसमें दो मसाले में वैरायटी मिल गई यार। लेकिन इसको बनाने में काफी मुश्किल आती होगी, इट्स नॉट अ इजी थिंग टू डू। वो एक तो फिश है, डेलिकेट है, आल्सो वेल ट्रेंड सर, वेल ट्रेंड। सी फ्रेंड्स, ये अब तंदूरी मसाला है और यार तुम तो मेरे फिश खाया करती थी ना। एग्जैक्टली इसीलिए आई कैन मेक आउट, क्योंकि शायद मेरे फ्रेंड्स को पता होगा सबको कि मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी, मैंने खाई भी है, सो दैट्स व्हाई आई कैन मेक आउट कि वो कितनी सॉफ्ट है, कितनी फ्रेश है एक्चुअली। और इसमें जो जूसी प्लस बहुत अच्छी एक चीज मुझे लगी, ऑथेंटिसिटी, इसमें जो अजवाइन डाली है आप लोगों ने, मेनी पीपल मिस दैट। तंदूरी मसाला तो लगा देते हैं, इसमें अजवाइन का टेस्ट बहुत, जो अजवाइन आ रही है ना इसके अंदर, वो इस मछली को एक अलग लेवल पे लेके जा रही है। मिक्स्ड वेज घी रोस्ट सेम मसाला। अच्छा तो फ्रेंड्स देखो, मुझे भी मिल गया, आप बोल रहे हैं घी रोस्ट को वेजिटेरियंस, तो वेजिटेरियंस के लिए भी है घी रोस्ट, यस सेम मसाला, मिक्स प्लेटर है, पनीर भी है, कुछ वेजीज कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, हां बेबी कॉर्न, मशरूम, हां मशरूम, वेरी नाइस। मैं मच्छी कंटिन्यू रखता हूं, तो आराम से अभी तो और बहुत कुछ आ रहा है, वंडरफुल, वेरी नाइस। नहीं नहीं बिल्कुल खाया जाएगा। And as I always suggest, साथ में ग्रीन खाते रहिए। Yes, greens, very important. Always must. So I'm happy. हर एक प्लेट पे greens हैं। Yeah. Reds भी हैं। हाँ जी। So what is this now? So this dish is the paneer hayati. Paneer hayati. Okay. So basically it's a like stuffed, a sandwich. Sandwich between two paneer slices. Slices of cheese. अच्छा ये भी ऊपर paneer का slice है? Yeah, paneer है। और बीच में filling क्या सी है? Burnt onions and sub mixed vegetables डाल के उसको हम ये करते हैं batter में लगा के थोड़ा आपका semolina में थोड़ा रवा लगा के deep fry करते हैं, रवा fried, nice, again unique, ये और ये spiced है, I love this more if you compare, दोनों अच्छे हैं but मुझे ये अच्छा लगा, हम लोग का USP dish है, USP dish। ये क्या है, ये क्या है? मेरी प्यारी हरी मिर्च, मेरी प्यारी हरी मिर्च, तो मैं तो नहीं हूँ। आज तुम पीली मिर्च बनी हुई हो, येलो कैप्सिकम, तो इसलिए इस डिश का नाम है फिश हरी मिर्च। तो ये अभी कौन सी फिश यूज की है इसमें? रावस, रावस है। अच्छा पहले टेस्ट करते हैं फिर हम गेस करते हैं कि इसमें क्या क्या पड़ा है, और नहीं गेस कर पाए तो मदद मिल जाएगी। आप तो जरूर कर ही लेंगे गेस, तुम बोलना सही या गलत। हरी मिर्च, that's the star of the dish. Coriander, green. Yes. Little bit of mint. Yes. Garlic. Yes. Coconut. Coconut. The paste. Absolutely. Did I miss out anything? Not at all. Whoa. Perfect. So you're the 10 on 10. 10 on 10. 10 on 10. Actually, you can taste everything, yes, because everything is so fresh. And so balanced must be. Balanced and the crunch of the garlic na, jo aap logon ne garlic paste na use karke mere chopped garlic dala, burnt garlic dala hum log par, uska jo crunch aur flavor aa raha hai na fish ke sath, ye kamaal hai. Bande to paste dal sakte hain lekin fir ye maza nahi aata jo bhi aa raha hai, because fish as it is already soft hai, to ek garlic ka crunch aur sath mein ye tali hui hari mirch. Why don't you have please? Yes, surely. To dosto, Dakshin restaurant mein हमने
स्टार्टर से शुरू किया, अब ये स्टार्टर हम ख़त्म करेंगे, अभी हम चारों बैठ के खाएंगे इसे, और जो मेरे दो भूखे शेर बंदूकें लेके मेरे सामने खड़े हैं देख रहे हैं कि सर कब रुकें और कब हमें खाने मिले, वो भी खाएंगे, और स्टार्टर्स के बाद मेन कोर्स आएगा क्या? अभी तो शुरुआत है, अभी तो मेन कोर्स आना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो रुकिए बने रहिए हमारे साथ, आइए शुरू हो जाइए। तो खाओ दोस्तों स्टार्टर्स, अभी हजम हुए नहीं कि सामने मेन कोर्स आ गया है, और रितेश ये मेरे ख्याल से फिश करी है, सुरमई करी, जायंट पीसेस ऑफ सुरमई फिश, और ये टैंगी मैंगलोरियन ग्रेवी, यस क्या बात है, दिस इज वेजिटेबल, दिस इज मलाबारी करी, दिस इज मलबार करी, मलबार करी फुल ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल एंड कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, वाओ, नॉन स्पाइसी, सही है, स्पेशली फॉर यू। तो इसके साथ मैं नीर डोसा खाऊं कि अप्पम खाऊं? नीर डोसा भी खाइए, अप्पम भी खाइए, आप गस्सी के साथ खाइए। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों ये फिश करी अभी मैं शुरू करते हैं, ये फिश का साइज बड़ा कमाल का देते हो यार आप लोग, हाँ सर, फ्रेशनेस कैसा है वो बोलो ली पहले, फ्रेशनेस है ग्रेवी में जो टेस्ट, टैंगीनेस एंड द एक्चुअल टेस्ट ऑफ मैंगलोर जो होता है कोकोनट का, करी लीव्स का, धनिया, जीरा, व्हाटएवर, दिस ट्राई दिस आल्सो ना, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रॉन गस्सी, प्रॉन गस्सी, प्रॉन गस्सी दोस्तों, गस्सी में क्या होता है कि इसकी ग्रेवी जो है ना थिक होती है, हाँ मसाला एंड इंग्रेडिएंट्स आर ऑलमोस्ट द सेम, थिकनेस थोड़ा स्पाइसियर भी होता है, हाँ ये थोड़ा स्पाइसियर होता है, अगेन गुड साइज ऑफ प्रॉन्स, छोटे नहीं बड़े ही, मतलब प्रॉपर मीडियम साइज प्रॉन्स हैं इसके अंदर, इफ यू हैव एन ऑप्शन ऑफ यू कैन ऑर्डर फॉर अ किंग और टाइगर प्रॉन्स आल्सो, ओके, दिस इज अ रेगुलर साइज, भी हम लोग जो इतना साइज रेगुलर देते हैं, आप बताइए वेज मलाबार करी, वेरी टेस्टी, बहुत ही वेजी से भरी हुई है, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, ग्रेवी इज वेरी वेरी स्मूथ एकदम, कोकोनट मिल्क पड़ा होगा इसके अंदर मेरे ख्याल से, और हेल्दी भी है, यस फिश भी बहुत हेल्दी है, फिश भी हेल्दी है, काफी मोटिवेशन है एक्चुअली, तो अप्पम के साथ इट्स लाइक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, नाइस, यू कैन ट्राई द स्टू आल्सो बिकॉज़ वी सर्व द स्टू आल्सो, गोस वेरी वेल विद अप्पम्स, विदेश वो तुम कह रहे थे कि रात को यहाँ पे की यहाँ की रौनक ही कुछ और होती है, और रात को हमको जरूर आना चाहिए, ट्राई कीजिए बिकॉज़ ये जगह का वाइब थोड़ा चेंज हो जाता है, प्ले नाइस बॉलीवुड म्यूजिक, क्या बात है, एंड बाहर जो हमारा गार्डन एरिया है वहाँ पे लाइटिंग इज ऑल, उसका एक एंबियंस ही अलग, बाहर बैठ के खाना खा सकते हैं, वी हैव आउटसाइड सेक्शन आल्सो बाहर में, हां तो आप वहां बैठ के भी, स्पेशली अभी मॉनसूनस में द वाइब विल बी बहुत कम है, तुम कवर कर दोगे उसके ऊपर, और हम लोग के पास उधर सीटिंग भी है पूरी कवर्ड सीटिंग बाहर, जहाँ स्मोकिंग एरिया भी है, ओके तो उधर ही माहौल बनेगा, क्या बात है, फिर आप मुझे डिनर डेट के लिए ले आइएगा, 100% लाना ही पड़ेगा, ऑलवेज वेलकम, ऐसा खाना खिलाएंगे तो बार बार आना पड़ेगा, लेकिन इतना मत खिलाया करो बहुत ज़्यादा, बट सच्ची द फिश करी एंड द गस्सी लिव अप टू हिज नेम, थैंक यू, मैं बस कीप लिकिंग माय फिंगर्स, अभी तो डिजर्ट भी थोड़ा बाकी है, तो अभी तो बिरयानी भी बाकी है, बाकी है, मुझे देख रही है, आ रहा हूँ, ओहो गरम गरम है यार एकदम, हाँ स्पून दे दो, वैसे तो खाने का मजा हाथ से है, लेकिन गरम इतनी है कि खाया नहीं जाएगा, तो ये है हैदराबादी मटन बिरयानी, और मैं तो मना कर रहा था लेकिन रितेश तुमने कहा कि ये आप जरूर खाइए, क्यों खाओ, हमारा स्पेशलिटी डिश है सर, यार कौन सी डिश स्पेशल नहीं है, हर चीज जो मैं खा रहा हूँ स्पेशल निकल रही है, आप मटन की क्वालिटी देखिए एंड सॉफ्टनेस देखिए, ये तो हाथ से पता, ओ तेरी टच किया मैंने खाली, एंड इतना टेंडर मटन की आप देख सकते हैं, इज फॉलिंग ऑफ, सो ये ग्रीन है, ये देखो, अरे ये है ना कमाल, मीट फ्रेश ना मेक्स अ लॉट ऑफ डिश हिट, एब्सोल्युटली, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर घर में भी मैं कोई रेसिपीज बनाता हूँ जिस दिन समय लेके और उसी समय बना दो ना मजा आ जाता है, फ्रिज में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट द फ्रिज, या दिस इज रियली गुड, शुड बी वेल कुक्ड, एंड द flavors of Hyderabad, the mint, yes, the coriander,
the green chilies. Chilies and everything. Yes, and the fried onions on top. Yes. This vegetable stew is also very tasty. When you dosa. Do you like it? Very much. You want me to serve you some more? Lug kitna fresh hai. Bahut fresh hai. Actually, humne starters kafi kha liye na, so that's why. Ek spoon le rahi thi. But this serves your palate perfectly. Yes. With no less for spicy. A perfect person, well, no yeah. spice. Uh-huh. No one can ever find that spicy. Yeah. Very, very tasty and it is very flavorsome flavors. Yes. Hai yes. Yes. Kadi yes. patta ke aur cheezon ke flavors. So, most of the dishes from South India are coconut based. Mm. So, you get that little sweet flavor also in the gravy. कमाल है मैं डरिंग हूँ मैं इतना खाता नहीं हूँ लोग समझते हैं कि मैं बहुत खाता हूँ लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा खाता हूँ बस लेकिन आज व्लॉग देख के लगता है हमें लगता है बहुत खाते हैं आज मैंने ओवर ईट कर लिया आज रात का डिनर तो कैंसिल लेकिन जो बचेगा वो पैक होकर लेके जाऊँगा तो दोस्तों मैं थक गया हूँ मतलब मैं आपको सच बताऊं हमको इस व्लॉग को शूट करते करते अभी पूरे 4:30 हो गए हैं हमने 1:15 खाना शुरू किया था और अब बज रहे हैं 4:45 ठीक है तो 4:45 स्टार्टर्स और मेन कोर्स के बाद मेरे सामने आई है ब्राउनी आइसक्रीम और ये प्रथम भाई जो हमारे यहाँ बैठे हैं छोटे से बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि ये आइसक्रीम खाए बिना आप यहाँ से जाएंगे नहीं भैया क्यों नहीं जाएंगे हम आइसक्रीम खाए बिना पहली बात ये मेरी मदर ने बनाया है ब्राउनी ओके और सब जो भी इधर आते हैं वो ब्राउनी और आइसक्रीम खा के ही जाते हैं सब कस्टमर्स ये हमारा तो होम मेड ब्राउनी है और इतने मीठा चीज आपने बोला है रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा मीठा खा के जाओगे मीठा खा के जाओगे is for your mom yes okay thank you very much for this brownie aur aap mujhe khilayenge main khud nahi khaungi yaar main bada bhukkad hu yaar mujhe ghar ka bhi lagta hai matlab kisi ko puchta nahi kisi ko dekhta nahi bas khana shuru ho jata hu lekin theek hai tumne yaad dilayi di hai dusre se haath ke haath se khao to aur meetha ho jata hai unko main khila hi deta hu khilaiye mam ko Yes. अब तुम ही बताओ मैं क्या बोलूं हाँ heaven is nowhere but here तुम जब तक बोलोगी और लोगी ना ये बाजू खत्म हो जाएगा ये खत्म हो जाएगी ये खत्म हो गई और मंगा लेंगे तो आप है ना तो प्लीज आप अपनी मम्मी से कहिएगा कि बहुत अच्छी लगी हमें ब्राउनी एंड ये बहुत ये मैं आपको बताता हूँ ये आपका रेस्टोरेंट का एक बहुत ही पर्सनल टच है एंड फॉर दिस आई गिव यू 10/10 बिकॉज ऐसी हॉस्पिटैलिटी ऐसा पर्सनल टच मतलब घर के लोग अगर अपने कस्टमर्स के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ बनाएं खुद ही प्यार से तो मतलब वो उनको कस्टमर्स या क्लाइंट्स नहीं समझते वो उनको फैमिली ही समझते हैं सो हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू योर मॉम थैंक यू सो मच रियली ग्रेट सुपर तो दोस्तों खूब मजा आया दक्षिण रेस्टोरेंट में आकर और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं भूल जाता हूं हमेशा बताना क्योंकि लता जी ने मुझे याद दिला दी है कि इसका गूगल लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसका पूरा एड्रेस आपको वहां से मिल जाएगा और ज़रूर इस प्लेस को विजिट कीजिए अपने बच्चों के साथ आइए अपने पेरेंट्स के साथ आइए हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर आके एन्जॉय कर सकते हैं कुजीन बहुत अच्छा है खाना बहुत स्वादिष्ट है और स्टाफ बहुत ही प्यारा है बहुत ही हॉस्पिटेबल है और बहुत ही प्यार से खाना खिलाते हैं और उस प्यार की झलक उनके खाने की हर एक डिश में है स्पेशली मम्मी की ब्राउनी में सो थैंक यू रितेश थैंक यू प्रथम थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग होप यू एंजॉयड द फूड एंड वी विल कम इन द नाइट यस लुकिंग फॉरवर्ड तो दोस्तों हमें तो खूब मजा आया इस ब्लॉग को आपके लिए बनाकर उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा तो बस अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिए तब तक खाइए पीजिए ऐश कीजिए धन्यवाद